इमली की कहानी समय के साथ बदलती जा रही है। मालिनी के आने के बाद इमली की पूरी तरह से जिंदगी बदल गई है। आर्यन और इमली हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। हालांकि किस्मत ने एक बार फिर से आर्यन और इमली को मिलवाने की तैयारी कर ली है। सीरियल इमली में आपने अब तक देखा कि गिरीश चीनी को किडनैप कर लेता है। आर्यन सही समय पर आकर चीनी को बचा लेता है। इस दौरान आर्यन गिरीश की जमकर धुलाई करता है। इसी बीच इमली भी पुलिस को लेकर चीनी के पास पहुंच जाती है। इसी बीच इमली और आर्यन की जिंदगी में एक और भूचाल आने वाला है। इसके साथ ही इमली और आर्यन एक बार फिर से आमने सामने आ जाएंगे। आर्यन को अचानक महसूस होगा कि इमली उसके आसपास है। शो के आगामी एपिसोड में आर्यन इमली को तलाशने की कोशिश करेगा। इसी बीच मालिनी आर्यन को फोन मिला देगी। मालिनी आर्यन को दिल्ली वापस आने के लिए मजबूर करेगी। आर्यन मालिनी की बात सुनने से इनकार कर देगा। सीरियल इमली में आर्यन चीनी को पुलिस के हवाले कर देगा। इमली और आर्यन आमने सामने होकर भी एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। इस दौरान आर्यन को बार बार इमली की याद आएगी। इमली आर्यन को किडनैपर समझ लेगी। फोन पर इमली आर्यन को खूब खरी खोटी सुनाएगी। इमली की बातें आर्यन को भड़का देंगी। आर्यन बिना देर के इमली की तलाश में निकल जाएगा। यहाँ पर लोग इमली को माता के दर्शन नहीं करने देंगे। लोग कहेंगे कि इमली का पति नहीं है, ऐसे में वो माता के दर्शन नहीं कर सकती। लोग इमली को धक्का देकर मंदिर से बाहर कर देंगे, जिसके बाद चीनी लोगों पर भड़क जाएगी। चीनी फोन की मदद से सभी लोगों को बोलती बंद कर देगी। आर्यन इमली के बारे में पता करेगा। इमली के ऑफिस में आर्यन कुछ भी पता नहीं कर पाएगा। इसी बीच आर्यन इमली से टकरा जाएगा। आर्यन इमली से माफी मांगने के लिए कहेगा। इमली आर्यन से माफी मांगने से इनकार कर देगी, जिसके बाद इमली और आर्यन के बीच एक नई जंग शुरू हो जाएगी।